वडोदरा जिला के वागोड़िया में स्थित गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी में एक गैस रिसाव का मामला सामने आया था, लेकिन आखिरकार मालूम हुआ कि यह महज एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था। यहां पर 49वें राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था, जो बखूबी निभाया गया। वडोदरा जिला के वागोड़िया में एक मॉकड्रिल का आयोजन आज हुआ था। डबोई SDM की अगुवाई में आधुनिक उपकरणों के साथ यह मॉकड्रिल आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि वडोदरा में स्थित गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी में टैंकर लोडिंग डिपार्टमेंट के अंदर गैस रिसाव होने पर एक हादसा हो गया और चार लोगों को इसका शिकार होना पड़ा। चार लोगों में गैस का प्रभाव देखने को मिला और जिससे काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी, और इसीलिए वहां पर पहुंचे फायर विभाग की टीम और उनके साथ NDRF की टीम, वागोड़िया पुलिस और WSDM के द्वारा आगे की कार्रवाई की गई। और इन सब के बीच आखिर में यह मालूम हुआ कि यह महज एक मॉकड्रिल थी, और इस खबर के फैलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वडोदरा जिला के वाघोड़िया में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा 49वें राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र इस मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था। 40 से 45 मिनट इसको मॉकड्रिल को हैंडल करने में लगा, और उनमें अपना जो लोकल क्राइसिस ग्रुप पूरे इंडस्ट्रियल वागोड़ी इंडस्ट्रियल पॉकेट के लिए जो बना है, उसके तहत ये ऑफसाइड मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था। और उसमें जो जो एजेंसियां इंटरनल एजेंसियां है और बाहर की जो एजेंसियां है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उनका क्या रिस्पॉन्स टाइम रहता है यहाँ पर मॉकड्रिल अपना कोई भी इमरजेंसी होता है तो उस समय मेनली जो की जो टाइम रहता है अपना इमरजेंसी रिस्पांस टाइम जो रहता है वो खास तौर पर रहता है कि कम से कम समय में हम इस जो भी कुछ दुर्घटना होती है उसको किस तरह से हम रिस्पांस करते हैं और कितने कम समय में उसको अटेंड करके मिनिमाइज जो भी डैमेज है या कैजुअलिटी है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। वो उसी हिसाब के लिए अवेयरनेस के लिए भी हमने मॉकड्रिल रखा है। क्या नाम सर? मेरा नाम AV गोस्वामी, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ, एज अ मेंबर सेक्रेटरी लोकल क्राइसिस ग्रुप। વાઘોડિયા GIDC ખાતે ગેલના પ્લાન્ટમાં LPG ગેસ લીકેજનું ઓફસાઇડ મોકડ્રિલ રાખવામાં આવ્યું હતું। અમોને અંદાજે લગભગ 12 કલાક અને 20 મિનિટે સમાચાર મળ્યા, એટલે અમે મામલતદારશ્રી PSI બધાને જાણ કરી, અમે પોતે પણ અત્યારે સ્થળ ઉપર આવ્યા, પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો। ગેલ કંપની તરફથી જે સાવચેતીના પગલાંરૂપે જે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવી, તો એમણે પાણી દ્વારા એને હવાને સીલ કરીને આગળ વધતી જે કેઝ્યુઅલિટી થાય, નુકસાન વધારે ન થાય, એને પૂરતા પ્રયત્નો કર્યા, અને લગભગ 10-એક જણા છે એ લોકો અસરગ્રસ્ત થયા, પણ એમને પણ તાત્કાલિક મેડિકલ સારવાર આપવામાં આવી છે અને હાલ એ પણ બિલકુલ જોખમની બહાર છે। સર, સમગ્ર મોકડ્રિલ લેવાન કેટલી એજન્સી કામે લાગી હતી? અહીંયા લગભગ NDRF, હું પોતે મામલતદાર, PSI સિક્યુરિટી ઓફિસર છે, વડોદરા ફાયર ઓફિસર છે, GPCBના અધિકારીઓ હતા, એટલું જ નહીં પણ ગેલ કંપનીના પોતાના જે દરેક વિભાગના હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ HOD એ પોતે પણ કંટ્રોલ રૂમમાં જાતે હાજર હતા, અને દરેકે વખતો વખત એમના ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજરશ્રીની સૂચના પ્રમાણે કામગીરી કરી છે અને તાત્કાલિક કોઈ વધારે નુકસાની ન થાય એ માટેના પૂરતા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા।